All right, so recently, मैं और मेरे friends जोकर movie देखने गए थे and the movie is absolutely amazing. So more amazing for the people who are like actors, directors, जो लोग filmmakers हैं, जो लोग editors हैं, जो लोग cinematographers हैं, तो वो लोग ये movie ज़्यादा पसंद करेंगे and उन लोगों को इस movie से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. Now मैं जब वो movie देख रहा था तो उसमें बहुत सारे direct references थे, बहुत सारे ऐसे scenes थे जहाँ पे जोकर डायरेक्ट रेफरेंस करता है एक बहुत ही अमेजिंग और लेजेंडरी फिल्म मेकर को. एंड ये फिल्म मेकर के बारे में आपने कभी सुना या पढ़ा भी नहीं होगा बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 100 ईयर्स जब उन्होंने फिल्म बनाना शुरू किया था. एंड 100 ईयर्स आफ्टर भी उनके बहुत सारे फिल्म के रेफरेंसेज आप बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज़ दोनों में देख सकते हैं. नाउ मैं जिसका बात कर रहा हूँ उनका नाम है द फिल्म मेकर बस्टर कीटन. Alright, so बस्टर कीटन एक ऐसे फिल्म मेकर थे जिनके ट्रेसेस आज भी यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फिल्म मेकिंग में यूज़ किए जाते. जो वो टेक्निक्स यूज़ करते थे वो आज भी हॉलीवुड और बॉलीवुड एंड बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं. नाउ उस समय जब वो मूवीज़ बनाते थे वो साइलेंट मूवीज़ होती थी यानी कि वो साइलेंट फिल्म मेकर थे. तो बहुत सारी चीज़ें ऑडियो वीडियो होती थी बट देर वॉज नो ऑडियो. ऑलराइट, सो वो लोग कैसे कनेक्ट करते थे अपने ऑडियंस के साथ. सो देर आर मेनी वेज. द फर्स्ट थिंग वॉज एक्शन यानी कि वो लोग एक एक्शन ऐसे परफॉर्म करते थे जो आपको बताता था कि वो फिल्म मेकिंग कैसे कर रहे हैं. ऑलराइट, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड थिंग वॉज विजुअल स्टोरी टेलिंग यानी कि वो विजुअल स्टोरी टेलिंग इतनी अमेजिंगली आपको दिखाते थे कि आपको डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. बट स्टिल अगर कुछ चीज़ें कन्वे करनी पड़ती थी तो भी वो लोग टाइटल्स यूज़ कर सकते थे. एंड वहाँ उस टाइम पे द एवरेज टाइटल वॉज 250 टाइटल्स यूज होते थे बट बस्टर कीटन यूज्ड ओनली 56 टू द मैक्स. यानी कि वो सारी चीज़ें अपनी एक्शन और अपने एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते थे. वेल, अगर अभी वैसा फिल्म मेकिंग टेक्निक वापस आ जाए यानी कि साइलेंट फिल्म मेकिंग हो जाए तो आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स बेरोजगार हो जाएंगे. और देर आर सम रूल्स जो भी बस्टर कीटन करता था उसमें कुछ रूल्स उन्होंने फॉलो किए थे. जैसे कि एक रूल ये था कि वो कोई भी सीन्स रिपीट नहीं करते थे. उनका मानना था कि कोई भी सीन्स जो होता है वो अपने आप में ही एक यूनिक होता है तो वो सीन्स हमेशा एक ही बार करते थे एंड उसको कभी भी अपने फिल्म में रिपीट नहीं करते थे. यानी कि फ्यूचर के फिल्म में भी वो सीन्स आप देखोगे कभी वो रिपीट नहीं होते थे. एंड सेकेंड थिंग वॉज वो हमेशा हमेशा फुल्ली स्क्रिप्ट नहीं लिखते थे. दैट मीन्स बेसिकली वो आधी स्क्रिप्ट लिखते थे एंड आधा जो भी इन द मोमेंट होता है उसके हिसाब से वो प्लान करके वो वापस से शूट करते थे. नाउ फॉर बेसिक एग्जांपल आप ये शॉट दे सकते हो उनका. तो ये शॉट उन्होंने डिसाइड नहीं किया था बट ये जो शॉट है वो एक्चुअली ऑन द स्पॉट उन्होंने डिज़ाइन किया था और एक शॉट में उन्होंने पूरी सीन्स कंप्लीट की थी. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. नाउ सेकेंड थिंग इज़ द कैमरा पोजिशन. नाउ कैमरा पोजिशन बस्टर कीटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. जैसे कि अभी हम लोग एक और सीन लेंगे उसके एनालिसिस के लिए. नाउ ये सीन अगर आप देख रहे हो तो ये बहुत सारे मूवीज़ में ये सीन्स को यूज़ किया गया है. नाउ ये अगर आप फ्रंट से देखोगे यानी कि कैमरा पोजीशन फ्रंट पे है तो आप देखोगे कि लाइक बस्टर कीटन आते हैं वो पीछे टायर को पकड़ लेते हैं. मतलब हम लोग बस्टर कीटन को देख नहीं सकते बट हमको पता है कि वो वहाँ पे है. जैसे वो गाड़ी मूव होता है उनको रियलाइज़ होता है एंड फिर उनका एक्सप्रेशन बताता है कि उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो टायर वही का वही है एंड गाड़ी आगे निकल गई. नाउ इसी सीन को हम लोग सेकेंड कैमरा पोजीशन से देखेंगे यानी कि बैक साइड से. नाउ यहाँ पे जब वो कैमरा पोजीशन जाके अपने टायर को होल्ड करते हैं हमने उनका फेस कैमरे के साथ है. यानी कि आपका जो कैमरा है वो आपका जो सीन है आपका जो स्क्रीन है वो फेसेस को ढूंढता है अपने फ्रेम्स में. ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको बस्टर कीटन का फेस दिखता है. फिर जब वो गाड़ी जाती है फिर वो जब घूमते हैं तो उनका रियलाइजेशन वाला फेस दिखता है जो चीज़ एक विजुअल कॉमेडी को दिखाता है. यानी कि विजुअल कॉमेडी यानी कि आपको इसके लिए कोई डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं है बट आप विजुअली वो चीज़ देख के उनकी सिचुएशन के साथ एंड जब उनको रियलाइज़ होता है
उसके साथ आप मैच कर सकते हैं एंड ये आपको एक अमेजिंग लाइट सा लॉफ्टर देता है. दैट बस्टर कीटन वॉज वेरी कीन अबाउट. ऑलराइट, सो बस्टर कीटन का मानना था कि जो फ्रेम है बेसिकली वो ही एक एक्टर की दुनिया होती है. ऑलराइट, तो वो फ्रेम के अलावा वो एक्टर को ना कुछ दिखता है ना उसको कुछ पता होता है. यानी कि अगर ऑडियंस वो चीज़ नहीं देख सकती तो वो एक्टर को भी नहीं दिखेगा. एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ हिज फिल्म मेकिंग जो वो उन्होंने बहुत बार ऐसा दिखाया है अपने फिल्म मेकिंग में. तो एंड फिल्म मेकिंग एक फ्लैट वर्ल्ड है उनके हिसाब से. लाइक फ्लैट वर्ल्ड यानी कि आप उसमें बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कर सकते हो जब उस टाइम के टाइम. यानी कि आप या तो राइट जा सकते हो या तो आप लेफ़्ट जा सकते हो, आगे जा सकते हो या फिर पीछे जा सकते हो. मोस्ट प्रोबेबली या आप कैमरे के पास जा सकते हो या फिर आप कैमरे से दूर जा सकते हो. तो दिस वॉज द मोमेंट दैट इज़ यूज टू टेल द विजुअल स्टोरी टेलिंग. नाउ आप ये सीन चेकआउट कर सकते हो इसमें, ठीक है. नाउ देखिए आपका नज़र कहाँ पे जा रहा है. ऑलराइट, एंड देन दिस. नाउ वो एक्टर कहाँ पे गया, जैसे कि आप देख सकते हो. दिस वॉज द विजुअल फिल्म मेकिंग. दिस वॉज जस्ट लाइक मैजिक. उस टाइम पे ये लोग प्रैक्टिकली विजुअल इफेक्ट्स यूज़ करते थे. ये लोग यानी कि बस्टर कीटन, ही वॉज द इन्वेंटर एंड फादर ऑफ यू नो प्रैक्टिकल विजुअल इफेक्ट्स. नाउ इसमें जैसे कि जैसे ये सीन ख़त्म होता है ऑडियंस सोचते ओह शिट ये कैसे किया तुमने. तो वो जो क्वेश्चन रहता है, वो जो अमेजमेंट रहता है ऑडियंस का, वही आपका बोलते रहा टेक बैक रहता है ये फिल्म के साथ. जस्ट लाइक मॉडर्न टाइम्स में आप जैक किंग्स के अगर वीडियोस देखोगे तो वो भी इसी तरह के मैजिक ट्रिक्स यूज़ करता है VFX के साथ. द ओनली प्रॉब्लम वॉज उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उन लोगों को ये प्रैक्टिकल VFX यूज़ करना पड़ता था. एंड बस्टर कीटन वॉज द किंग ऑफ प्रैक्टिकल VFX. ऑलराइट, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म मेकिंग जो रूल था बस्टर कीटन के लाइफ में वो था नेवर फेक अ गैग. यानी कि आप जो भी चीज़ करो फिल्म में वो 100% रियल होना चाहिए, ठीक है. ये एक्चुअली आंसर था वो क्वेश्चन का जो उनके दिमाग में हमेशा आता रहता था कि हाउ कैन वी मेक इट मोर रियल, हाउ कैन वी मेक ऑडियंस फील दैट इट इज़ रियल. एंड द आंसर वॉज सिंपल, टू डू इट रियली. यानी कि वो जो भी स्टंट्स करते थे, जो भी विजुअली अमेजिंग स्टंट्स होते थे, वो 100% रियल होते थे एंड वो खुद करते थे, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट मेक्स हिम अ ग्रेटर फिल्म मेकर. वो एक वाइड शॉट्स लेते थे हमेशा एंड ताकि उनको सारे सीन्स ऑडियंस को समझ में आ सके कि एक्चुअली पूरे फ्रेम में हो क्या रहा है. एंड बाद में उसी सीन को रियल तरीके से करना रहता था. सो तो उनका मेन क्वेश्चन ये था, या तो जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो मैं इसको एक शॉट में ख़त्म कर दूंगा या तो हम लोग कोई और क्रिएटिव आइडिया सोचेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए. बट उनको वो गिव अप नहीं करते थे, वो हमेशा विजुअली अमेजिंग शॉट्स बनाते रहते थे. एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स लाइक यू नो एवरी फिल्म मेकर टू ड्रीम बिग. यू नो जैसे मूवीज़ बनती हैं, जैसे एवेंजर्स एंड गेम, जो ड्रीम उन्होंने इमेजिन किया था अपने दिमाग में, जो कॉमिक्स लाइफ को रियल में लाना चाहते थे उन्होंने रियल में लाया. एंड दैट्स व्हाट फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट, टू मेक समथिंग अनरियलिस्टिक सुपर रियलिस्टिक. ऑलराइट, सो ये जो सारी ट्रिक्स है, जो प्रैक्टिकल VFX है, वो उस टाइम पे VFX नहीं बोलते थे बस्टर कीटन, इसको बोलते थे द इम्पॉसिबल गैग्स. ऑलराइट, ये इम्पॉसिबल होते थे उस टाइम पे एंड वो लोग फिर भी इसको पुल ऑफ कर देते थे. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, जब वो कोई भी सीन करते थे, जैसे कि मैंने बताया कभी कोई भी सीन फुल्ली रिटर्न नहीं होता था, वो लोग इम्प्रोवाइज करते थे. एंड दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ बस्टर कीटन. नाउ ये सीन आप चेकआउट कर सकते हो, ये सीन आपको बहुत सिमिलर लगेगा मैनी जैकी चैन मूवीज़ के साथ. राइट, सो जैकी चैन भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे बस्टर कीटन से. बट देर इज़ अ ट्रिक. नाउ ये सीन अगर आप देख रहे हो तो इनको ये बस्टर कीटन को ये जंप करना था, यानी कि वो कर लेते थे ये स्टंट, बट वो यहाँ पे गिर जाते हैं. तो वो क्या करते हैं इस चीज़ के साथ, वो इसको इम्प्रोवाइज करते हैं. नाउ ये पूरा सीन अगर आप देखोगे लाइक दिस, तो ये जो पूरा सीन है उन्होंने जब वो नीचे गिरे उसके बाद उन्होंने पूरा इम्प्रोवाइज किया कि वो किस तरह से गिर के नीचे जाते हैं, फिर वो फायर ब्रिगेड पे पहुँचते हैं एंड फिर वो गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं. और दिस सीन मेक्स इट सो ब्यूटिफुल एंड सो अमेजिंग. रैदर दैन जस्ट अ सिंपल जंप,
उनका हमेशा मानना था कि जब भी आप कोई गिरते हो या फिर कोई मिस्टेक करते हो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्रिएटिविटी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्रिएटिविटी के लिए, यानी कि कहीं पे भी आप स्टक हो तो आप उसको अपने क्रिएटिविटी की मलहम से ठीक कर सकते हो। ऑलराइट, तो द बस्टर कीटन का ये वाला जो सीन है, द ट्रेन सीन जिसको बोला जाता है, विच इज़ वेरी फेमस एंड विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीन। नाउ इस सीन में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो अब तक मैंने आपको सिखाया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन जो मैंने उनसे सीखा है दैट इज़ द कंटिन्यूस शॉट। वो कोई भी शॉट कंटिन्यूस रखते थे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कट्स, यानी कि वो बहुत ही मिनिमम कट्स यूज़ करते थे, बहुत ही मिनिमम विजुअल इफेक्ट्स यूज़ कर सकते थे वो लोग, हमेशा प्रैक्टिकल वीएफएक्स यूज़ करते थे। ऑफकोर्स कैन यू इमेजिन कि लाइक उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी जिससे वो लोग प्रैक्टिकल वीएफएक्स यूज़ कर सके। नाउ अब ये ट्रेन सीन को अगर आप देखोगे तो यू कैन सी देर इज़ अ सीन, ट्रेन है एंड देर इज़ अ प्रॉब्लम, एंड नाउ आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। ऑडियंस के दिमाग में भी यही चलता रहता है, बस कीटन के दिमाग में भी यही। तो वो जाते हैं एंड वो जो लॉग है ट्रेन का वो निकालते हैं, एंड जब तक वो निकालते हैं ऑलमोस्ट तब तक वो ट्रेन आ चुकी रहती है। तो वो लॉग उनके हाथ में रहता है, वो ट्रेन रहता है और ट्रेन चलता रहता ही है, यानी कि वो ट्रेन नहीं रुकता है। देन व्हाट यू सी इज द अमेजिंग थिंग। नाउ ये जो आप सेकंड सीन देख रहे हो कि वहाँ पे एक और लॉग आपको दिखेगा वहाँ पे, एंड वो लॉग जहाँ पे है अब उसको कैसे हटाया जाए क्योंकि उनके हाथ में तो एक और लॉग है ही। नाउ जैसे कि मैंने बताया, कोई भी इम्पॉसिबल गैग को अगर आपको क्रिएट करना है यूज़ योर क्रिएटिविटी, एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। वो अपना प्रीवियस लॉग लेते हैं एंड अपने जो नेक्स्ट लॉग है उसको ज़ोर से मारते हैं, वो दोनों लॉग हट जाते हैं। नाउ व्हाट आर द चांसेस कि ये सीन हो जाए, देर इज़ वेरी लेस। अगर आप अभी ये करने जाओगे तो दिस इज़ देर इज़ वेरी लेस चांस कि आप ये कर पाओ। बट बस्टर कीटन ने ये एक ही सीन में किया था बिकॉज वो रीशॉट्स नहीं करते थे। उनका मानना ये था कि अगर हमने एक शॉट में अगर ये मैंने कर दिया तो मैं कर दूंगा, अगर नहीं किया तो हम लोग कुछ और सोचेंगे। एंड दिस सीन इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लासिक बस्टर कीटन।